हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। आज हमारे साथ हैं दिशा, और दिशा का सिलेक्शन हुआ है DTWSB NDMCE वाले एग्जाम में, जिसमें सिर्फ 45 वैकेंसी यानी 45 वैकेंसीज थी, और उसमें भी अभी हम बात करेंगे। दिशा लखनऊ से हैं और बहुत सारी बातें मुझे जानने को मिली अभी, जो अभी हमारी जब बात हुई, मैं ऑफिस आई और हम लोग की बात हुई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानने को मिली जो मुझे बहुत खुशी हुई जान करके। तो आज डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे दिशा की जर्नी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिशा का हो गया है अभी, और वापस आप अभी लखनऊ जा रहे हो घर वालों से मिलने। Yes, तो कैसा लग रहा है दिशा, अपना एज या जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही है वो आप एक बार शेयर कीजिएगा सबके साथ। मेरी एज जो है 24 है, और मैंने ग्रेजुएशन में BSc किया था मैथ्स एंड साइंस से जी, और फिर उसके बाद UP से BTC किया था, और फिर CTET और DSSSB का एग्जाम। BTC आपका अभी मतलब DLED जिसको हम कह रहे हैं 2021 में ही, 2021 में ही खत्म हुआ है ना? मतलब सेक्शन हम लोग का 2018 से 20 तक सेशन था, लेकिन हम लोग का कंप्लीट 2021 में हुआ था कोरोना की वजह से, हाँ लॉकडाउन हो गया। ठीक बात है। तो दिशा, अगर हम बात करें पहले तो कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू मैम, अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, वो एनर्जी पास ऑन हो रही है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब अच्छे से हो गया अभी, और आपका जो स्कोर है 162.15 आउट ऑफ 200, मतलब 200 नंबर का पेपर होता है जिसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। और अगर हम इस वैकेंसी की बात करें, मतलब सबसे ज्यादा जो मेरिट देखी है लोगों ने वो इसी साल और इसी पर्टिकुलर एग्जाम में देखी है, 156 पॉइंट समथिंग, 156 पॉइंट समथिंग जो है मेरिट गई थी, उसमें भी फिर 5 नंबर और बढ़ गए हैं बाद में। तो कैसे वो तैयारी हुई और क्या ये पूरा प्रोसेस रहा तैयारी का? इसमें भी अगर हम बात करें 45 वैकेंसीज, मतलब 45, उसमें भी आपने बताया कि 4 PH कैटेगरी के लिए, तो कुल मिलाके 41 वैकेंसीज, मतलब 41 वैकेंसीज में अच्छा खासा कंपटीशन हम मान के चलेंगे, इसीलिए हाईएस्ट मेरिट रही है। कुछ 3500 स्टूडेंट्स बैठे भी थे इसमें। बैठे थे, अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही एकदम कट थ्रोट कंपटीशन से निकल के आपने जॉब लिया एक तरह से, ये कह सकते हैं। तो आप अपनी जर्नी बताइए, जैसे पार्ट वन की तैयारी आपने कैसे की, फिर पार्ट टू की कैसे की, उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो कोचिंग ली या मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन या जो भी है, मुझे तो आपने बता दिया, बट अगर हम लर्नर्स की बात करें तो आप एक बार शेयर कीजिए। जैसे मैम, जैसे जो लोग बहुत पहले से, मतलब जिनका एम है कि मुझे DSSSB निकालना है, तो वो लोग जो है थोड़ा थोड़ा करके कहीं से पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे कोई मेरी तरह हो जिसको हो कि सब कंसाइज वे में एक अच्छी जगह से सब कुछ मिल जाए, तो वो कोचिंग ले सकते हैं। तो मैंने, मुझे ये था कि मुझे कई जगह से खोज के पढ़ना नहीं था, तो मैंने कैरियर विल का बैच ले लिया, तो DSSSB वाला, यस मैम, DSSSB वाला बैच ले लिया, तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स के मुझे सारे नोट्स मिल गए, सर लोग भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, तो उसकी वजह से मेरे नोट्स प्रिपेयर हो गए थे अच्छे से, जो एग्जाम टाइम में रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे ही मैंने किया था, कोचिंग ले लिया था। ठीक बात है। तो दिशा ने तैयारी की, जो करियर विल ऐप है, मैं भी एसोसिएटेड हूँ जहाँ पर, और आज से पहले मैं थोड़ा सा हेजिटेंट भी रहती थी, मतलब हम लोग का ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि कोई हमारे यहाँ से ही बैच लिया होगा किसी ने, तो तभी हम डिस्कस करेंगे या शेयर करेंगे उनकी जर्नी। तो दिशा ने बताया आकर के, और इनको बहुत हेल्प मिली उस चीज़ में, मतलब कॉस्ट एफिशिएंट भी लगा आपको बहुत ज़्यादा, मतलब वो 1200 का आपने बताया, फुल पैसा वसूल पैसा वसूल, और मतलब पैसे का तो मतलब एक तरह से कंपेयर भी नहीं कर सकते, अगर आपको अच्छी नॉलेज मिल जाए, और वो नॉलेज हर जगह काम आई मुझे। मैंने जितने भी वनडे एग्जाम दिए, GS के पेपर के लिए मैंने सारे हिस्ट्री के नोट्स, पॉलिटी के नोट्स सब पढ़ते गए, जो नया मिलता है, मेरे वो बेसिक नोट्स हो गए हैं, अब मैं उसी में ऐड ऑन करते जाती हूँ, नए नोट्स नहीं बनाती है। बहुत बढ़िया। हाँ। तो वो एक मेरे लिए भी बहुत ही प्राउड की बात है, या बहुत ही खुशी की बात है कि दिशा ने एक बार वो कोर्स लिया 1200 का, और उसमें फिर सारे टीचर्स जो शुरू के 5 सब्जेक्ट हैं वो पढ़े, जो पार्ट बी है पेडागॉजी जिसमें मैं डील करती हूँ वो आपने पढ़ा, और वो चीज़ आपको हेल्पफुल साबित हुई फाइनली, अभी आप एक तरह से सिलेक्शन हो गया मान लीजिए। और तो पार्ट आप पूरा अपना बताइए कि जो 5 सब्जेक्ट हैं उसमें कैसे कैसे आपकी तैयारी रही और कैसे आपने नोट्स बनाए, क्या किया? हाँ, पार्ट ए में सबसे पहले रीजनिंग आता है शायद, तो रीजनिंग के लिए मतलब मेरी रीजनिंग थोड़ा ठीक था, लेकिन जैसे ये नहीं होता है कि जब कोई चीज़ आपकी ठीक होती है तो आप ऐसे ऐसे सोचते हो कि प्रीवियस ईयर लगाएंगे हो जाएगा, लेकिन इसमें मैंने सारी क्लासेस प्रॉपर की थी सर की, और जो क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारे नए भी टॉपिक सीखे, उसके मान लो क्वेश्चन नहीं भी आया लेकिन मेरे अदर एग्जाम्स में भी यूज़ हो गए, तो मैंने सर के नोट्स बनाए थे, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, और फिर मैथ्स में आते हैं तो मैथ्स में भी सर, उदय सर ने बहुत सही पढ़ाया था, वो मतलब
जो एग्जाम में आना है वही पढ़ाते थे, बकवास का नहीं कि मतलब कुछ भी पढ़ाए. तो सर ने नोट्स बनाए थे तो उसके मैंने सारे टॉपिक्स के नोट्स बना लिए थे. जो मुझे लगता था मेरे से क्वेश्चन हो जाएगा तो मैं नहीं लिखती थी, उसका शॉर्ट ट्रिक लिख लेती थी कि हाँ ऐसे ऐसे करना है. ठीक है. फिर मैथ्स में और उदय सर के थ्रू ही आप, मतलब उदय सर को आपने मैसेज किया. अभी मुझे यही आगे पता चला कि इन्होंने करियर विल पे कोर्स भी लिया था या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था. और फिर हमारी बात हुई तो पता लगा कि उदय सर को आपने मैसेज किया था. और सर ने बहुत जल्दी मैसेज देख लिया था, विद इन वन आवर सर ने रिप्लाई भी कर दिया था. अरे वाह, सर तो बहुत अच्छे इंसान है. मुझे तो बहुत लोग गालियां देते होंगे इस बात को लेकर. मैंने पहले सोचा आपको करूं, फिर मैंने कहा सोचा मैम पता नहीं देख पाए या ना देख पाए. नहीं देख पाती मैं, बहुत बार नहीं देख पाती. आपने बताया था अपने ब्लॉग्स में, तो मुझे लगा कि सर को मैसेज करना सही रहेगा. ये तो आपने बहुत अच्छा दिमाग लगाया. हाँ, क्योंकि सर का मुझे पता भी था कि बच्चे बोलते भी हैं कि सर मतलब देख लेते हैं, रिप्लाई भी कर देते हैं, तो मैंने सोचा सर को मैसेज करती हूँ तो शायद वो देख ही लेंगे. और कुछ ही दिन हुए अभी मैं मैसेज किया था मैंने सर को, फिर मतलब फैकल्टी से वहाँ कॉल आया, तो फिर मैंने सोचा मिल लेते हैं आप लोगों से. बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा लगा. और अब हम आते हैं जैसे मैथ्स की हमने बात की, तो आपने उदय सर को देखा, पीयूष सर से रीजनिंग पढ़ ली, नोट्स बना लिए. क्योंकि पीयूष सर नहीं, रीजनिंग में अरुण सर ने पढ़ाया. ओके ओके ओके. हाँ, मतलब अलग अलग टीचर्स हैं अलग अलग बैचेस में. ठीक है, तो अरुण सर ने पढ़ाया और उसके बाद आपने वो नोट्स बना लिया. मतलब आप पहले से एक्सपेरिमेंटेटिव मोड में नहीं थी कि मैं दो चीज यहाँ से देखूंगी दो वहां से देखूंगी. मैम मुझे ये था कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे एक सीट चाहिए, पीएचडी नहीं करनी है किसी भी चीज में. अगर इंटरेस्ट है तो वो चीजें मैं पढ़ लेती थी, लेकिन मुझे ये था कि हाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, बिल्कुल मतलब एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना था. तो फिर मैंने वही अप्रोच, बिल्कुल टू द पॉइंट, एक तो आप ट्रस्ट करके ली वो चीज और उस पे आप टिके रहे. और मेरे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा नहीं थे, मैंने ट्रस्ट किया कि हाँ मुझे इतना ही पढ़ना है. मुझे बहुत लोगों ने कहा कि इधर से पढ़ लो, ये NIUS से मतलब पूरा पढ़ लो, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, फिर वो भी पढ़ते हैं, फिर ये भी दूसरे नोट्स भी लगाने लगते हैं, और फिर उसके चक्कर में उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती. बिल्कुल सही बात है. तो मैंने हम उस पे भी पार्ट बी पे भी आएंगे. तो इसीलिए मैंने सिर्फ जो सर लोगों ने नोट्स बनवाए बस उस पे रिलाई किया मैंने. ठीक बात है. और मेरा उसी में हो गया. और रिवीजन उसी को बार बार मैंने, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार चार बार भरपूर रिवीजन और वो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस. हां बहुत अच्छे से आपने. ऐसा हो गया था कि मैथ्स में मुझे क्वेश्चंस याद हो गए थे कि मतलब ये अप्रोच वाले क्वेश्चन है, DSSS भी वही पैटर्न ही फॉलो करता है. तो मैंने वैसे पार्ट 1 में तो फिक्स है वो पैटर्न, बहुत ही बढ़िया तरीके से फॉलो करता है. और अब डिविजिबिलिटी आनी है तो वो हर साल आएगी, हर पेपर में आएगी. तो फिर सारे वैसे मैंने पढ़ लिए थे लाइन से, वैसे ही हो गया था मैथ्स में. बहुत बढ़िया. फिर अब हम आते हैं जैसे जीए पर, जनरल अवेयरनेस जो 20 नंबर का. जनरल अवेयरनेस का ये था कि मैम थोड़ा बहुत मैं पढ़ती रहती थी करंट अफेयर वगैरह, न्यूज़पेपर भी पढ़ती रहती हूँ, तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी. लेकिन ये होता है कि DSSS की जो जनरल अवेयरनेस होती है वो थोड़ा अलग आती है, नॉर्मल एग्जाम्स की तरह नहीं आती, वो कुछ भी पूछ लेते हैं, तो उसमें कोई रट तो सकता नहीं है. तो आप जितना अच्छा कर पाओ कि हाँ 12-15 अगर हो जा रहा है तो ठीक है, और करंट अफेयर के क्वेश्चंस वो लोग पूछ लेते हैं. तो वो आपने प्रिपेयर किया बैच से या जैसे भी आपने खुद से भी किया? सर के नोट से कर लिए. और करंट के मैं ऐसी वीडियोस देख रही थी. हाँ, थे उसको लेके. नहीं लेकिन मैंने ये नहीं किया कि मैंने पढ़ा ही नहीं सर के नोट्स वगैरह. इकोनॉमिक्स के नोट्स थे सारे, मैंने एक बार पढ़ लिया था सारा कुछ. अच्छा, मतलब नोट्स मैंने सारे पढ़े थे सबके. समझ गई. फिर इसके बाद आपका आता है इंग्लिश और हिंदी. हाँ, हिंदी का अरुण सर का मैंने मतलब उन्होंने बहुत सही हिंदी पढ़ाई है. मतलब अगर उतनी हिंदी कोई अदर एग्जाम्स के लिए भी पढ़ ले पूरा उसका क्लियर होता है. मतलब उन्होंने बहुत टॉपिक्स में इतने सारे एग्जाम्पल लिखा दिए. एक मतलब अगर कोई डेफिनेशन है, अगर संज्ञा सर्वनाम कुछ भी है, तो उसकी 5-5 डेफिनेशन लिखवा दिए जिसमें आप समझ पाओ. बहुत अच्छा पढ़ाया. तो हिंदी में मैंने उनके सारे नोट्स रिवाइज किए थे बार बार. और इंग्लिश में तो कुछ प्रेडिक्टेबल होता नहीं है, मतलब कुछ भी आता है. तो सर के थोड़े बहुत नोट्स किए थे और एक दो बुक्स थोड़ा पढ़ अरुण सर ही पढ़ा रहे थे. एक्चुअली हमारे यहाँ तीन अरुण सर हैं बैचेस में अगर देखें तो. हाँ, इंग्लिश वाले सर का नाम शायद अरुण गौतम सर. अरुण गौतम सर है शायद. तो बस वही मैंने नोट्स किए थे और थोड़ा बहुत मतलब जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह ये सब खुद से कर लिए थे बुक से इंग्लिश. बहुत बढ़िया. तो ये रही आपकी फर्स्ट पार्ट की प्रिपरेशन. हाँ. और आपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट की फॉर्म में अटेम्प्ट किए थे अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए. नहीं मैंने मैम पता है मॉक टेस्ट ऐसे वैसे किसी के भी नहीं दिए थे. अच्छा. मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर किए थे क्योंकि उस लेवल का कोई बना नहीं पाता. बिल्कुल सच है. चलो फर्स्ट पार्ट में वो बना देंगे लेकिन सेकंड पार्ट नहीं बना पाएंगे. बिल्कुल सही बात है. क्योंकि वो डिपार्टमेंट अपने हिसाब से ही क्वेश्चन सेट करता है. और वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी. हाँ तो मैंने एक दो दिए
मेरे नंबर बहुत अच्छे आए, लेकिन अंदर से फील नहीं हुआ कि हाँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर का लेवल अलग था बिल्कुल, और ये लोग उस लेवल का बना नहीं पा रहे थे। तो या तो फिर वो अंत में वही बात पहुंच जाती है कि या तो कोई इस तरह से अटपटा उसको बना देगा कि उनके बैच में आप जाके एनरोल कर लो, वहां से शायद तैयारी हो जाएगी, या फिर वो बिल्कुल ही इजी हो जाएगा, मतलब वो एग्जैक्टली मैंने दिए थे 6-7 मॉक मैंने स्टार्टिंग में दिए, तो मेरे नंबर बहुत अच्छे आ रहे थे, पर मुझे लगा था कि हाँ इतना इजी तो नहीं आएगा, तो फिर मैंने कहा फिर कोई मतलब नहीं, खुश होने के लिए थोड़ी ना पेपर देने जा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर इतने सारे पढ़े हैं, 2019 लगाओ, 18 लगाओ, और भी सारे, इतना भी नहीं लगा पाएगा अगर कोई लगाने सही बात है। और ऑनलाइन भी आई थिंक अगर मतलब वो मिल जाएंगे आपको, आप अटेम्प्ट कर पाओ, सारे सारे आराम से मिल जाते हैं। तो मैंने टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत भी वहां से खत्म हो गई होगी, बिल्कुल प्रैक्टिस इतनी बार, बिल्कुल पहले दिन दिक्कत आएगी, हर किसी को आएगी, डरना नहीं चाहिए कि हाँ अगले दिन नहीं हो पाएगा, मेरा भी धीरे धीरे हुआ था। मॉक में कितना स्कोर आ रहा होगा अगर याद, मतलब प्रीवियस ईयर एनालिसिस के क्वेश्चंस में? जितने एग्जाम में आए उतने तो नहीं आ रहे थे, हाँ लेकिन मेरा ये था कि कभी कभी 160 आ जाता था, कभी 150 आ जाता था, कभी बहुत खराब हो जाता था, तो वैसे मतलब चेंज होता रहा, हाँ लेकिन बाद में धीरे धीरे बन गया था कि हाँ 140 से कम नहीं आ रहे थे। और लेकिन जैसे 2018 वाले में तो उसमें मेरे आ रहे थे 132 भी आ जाता था, कभी 141 आ जाता था, ऐसे आ रहे थे, मतलब पेपर पे डिपेंड कर रहा था। ठीक बात है। और ये जो आपकी सारी डीएलएड तक की पढ़ाई थी वो सब लखनऊ से ही हुई है? हाँ, सब लखनऊ से। ठीक बात है। अब हम आते हैं पार्ट बी पे, मतलब जिसको लेके बहुत ही डर का माहौल भी है, हर किसी को चाणक्य बनना है उसमें, मतलब जो मैंने अभी फील किया बहुत सारे लर्नर्स से मिलके भी और देख करके भी इंटरनेट पे, तो मतलब वहाँ ऐसे वाला माहौल है कि मतलब वो एक नेगेटिविटी या तो क्रिएट कर दी गई है या पता नहीं क्या आएगा, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है भी प्लस भी, जो कि वन ऑफ द रीजंस है कि थोड़ा सा घबराहट या इंसान सोचता है कि पता नहीं क्या आएगा और क्या पढ़ना, तो इसमें कई सारी चीजें एक साथ मिक्स होकर वो पूरा कन्फ्यूजिंग स्टेट में एक लर्नर अगर कोई भी आज की डेट में डी प्लस भी पीआरटी की तैयारी करने जाएगा तो उसके दिमाग में सबसे पहले टेंशन पार्ट बी को लेकर आती है। वो लोग सोचते हैं कि कहाँ से पढ़े, क्या क्या याद कर ले, और जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं, वो आएगा भी कि नहीं, अब ये सबसे बड़ा मिसट्रस्ट है एक तरह का। तो वो पार्ट बी की तैयारी आपने कैसे की और आपने खुद को उस टाइम पे कैसे मतलब क्या कहें उसको कि वो पेशेंस रख के और एक वो विश्वास दिखा के कैसे वो चीजें? पार्ट बी में ही मुझे थोड़ा वो लगा था कि एक बार के लिए मतलब सब लोग कह रहे थे कि मतलब इतने से नहीं होगा, इतना आप कंसाइजली पढ़ रहे हो, एक कॉपी दो कॉपी पढ़ रहे हो, उतने से नहीं होगा, बच्चे पता नहीं डी ट्रिपल एस बी एनआईयूएस से पूछता है, इग्नू नोट से पूछता है, और 3-4 बुक्स लोगों ने बताई थी मुझे, पर मेरा ये था कि क्वेश्चन कहीं से भी आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, और ये चीज हम लोग की सीटेट से ही शुरू हो जाती है सारी थ्योरीज जो होती है। तो मैं पहले सीटेट में भी मैंने जो है आपके वीडियो से मतलब मेरा था कि रटने बहुत दिक्कत होती है, तो फिर वीडियोस वही देखे सीटेट के, फिर मैंने सोचा कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट इधर से क्लियर हो रहा है तो वीडियोस से पढ़ूंगी तो मेरा हो जाएगा। मैंने वही सारे नोट्स बनाए थे आपके वीडियोस से, तो फिर एग्जाम हो नहीं पाया हम लोग का, फिर जब आई नोटिस आई तो फिर मैंने नोट सारे रिवाइज कर लिए, बाकी जो बचा था थोड़ा बहुत पीवाईक्यू से हो गया था मेरा। ओके ग्रेट। तो आपने मतलब वो बैच से भी नोट्स बनाए? हाँ। मतलब क्योंकि आप डीट प्लस भी बैच में ही थे, तो वहाँ पार्ट भी मैं डील करती हूँ, तो वो आपने नोट्स बनाए पूरे? हाँ। दो नोटबुक हैं। हाँ। उससे पहले आपने सीटेट में जो भी पढ़ा था? हाँ, सीटेट में मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, बस क्योंकि उसमें थोड़ा ही सिलेबस होता है, तो वो उससे हो गया था। ठीक बात है। तो उसके बाद फिर आपने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस भरपूर किया? बहुत ज्यादा, मतलब एटलीस्ट क्योंकि एनआईवीएस भी देगा तो ऐसा थोड़ी कि दुनिया से अलग कोई चीज। हाँ नहीं, मैं पहले मैंने सोचा कि चलो अगर थोड़ा चेंज आएगा हर पेपर में तो मैं कहीं से कर लूंगी, नोट्स अरेंज कर लूंगी, लेकिन फिर मैंने एक पीवाईक्यू का पेपर दिया तो उसमें जो है आया, सेकेंड में भी वही आ रहा था, थर्ड में भी ऐसे आता गया, तो मैं अपने ही नोट्स में जिस थ्योरी से रिलेटेड वो क्वेश्चन रहता था उसी में नीचे ऐड ऑन कर देती थी, लाइक जो भी एक्स्ट्रा चीज है वहीं पे ऐड कर लिया। हाँ, क्योंकि फिर बाद में जैसे जब टाइम कम रहता है तो आपको कंसाइज नोट सही रहते हैं, कंपाइलेशन में बहुत सही से हो जाता है, तो मेरा वही था कि उसी में नोट कर लो तो जब पलटेंगे पेज तो याद हो जाएगा, वो किसी अलग नोटबुक में नोट करती तो फिर से उसको भी रिवीजन करना होता, तो मैंने जो एक्स्ट्रा से उसको उसी में नोट कर लिए थे, तो उससे ये आपका बहुत ही समझदारी कहेंगे इस चीज को कि आपने जो बैच में पढ़ाया जा रहा था वो आपने पढ़ लिया ट्रस्ट करके। ठीक है, उसमें भी आप कुछ ग्रुप्स में भी एनरोल्ड थे, मतलब जैसे आपने ज्वाइन किए हुए थे व्हाट्सएप या जो भी टेलीग्राम, तो वहाँ पे भी अलग अलग चीजें कि नहीं फलाने से पढ़ लो, इनसे पढ़ लो, बहुत वैरायटी बहुत थी। मुझे याद है मीडिया सेक्शन अगर खोलते थे
ये नोट्स वो नोट्स वो नोट्स, बच्चे बहुत डराते थे कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो इतने से नहीं होगा। और फिर मेरी एक दो लोग से बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम इतने से नहीं होगा। तो मुझे लगा कि यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जो पढ़ा है उसी को रिविजन अच्छे से कर लूँ, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो फिर मैंने उसी वे में पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। और मतलब जब आपके पास टाइम कम रहता है तो मुझे ये लगता है पहले से आप डिसाइड कर लो कि हाँ एक महीना है, इतने दिन में रिवीजन करेंगे, इतने दिन में पीवाईक्यूज देंगे, फिर दोबारा रिवीजन करेंगे, फिर सारे आंसर क्वेश्चंस देख लेंगे। तो मैंने वैसे स्ट्रेटजी बना के ही किया था पूरा। ठीक बात है। तो उसमें आपने बेसिकली, और फिर जब रिजल्ट आया तो आपने बताया कि ग्रुप खाली था। वो जो इतने सारे ज्ञानचंद थे, जब, वो सब नहीं, जब पहले भी सब पेपर दे के आए थे तो जैसे एनडीएमसी का पेपर ऐसा था कि आंसर नहीं याद रख सकते हो आप। फर्स्ट पेपर भले याद रख लो, पार्ट बी में जो है जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है उसको याद नहीं। तो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो मेरा जेन्यून आंसर था मुझे नहीं याद है। तो कहते ऐसा हो ही नहीं सकता, तो तुम्हें ना याद हो। उनका नहीं याद, अब कैसे बताऊं, जब आएगा रिजल्ट तो बताऊंगी। और उसी में बहुत लोग थे, मेरे 170 आ रहे हैं, मेरे 160 आ रहे हैं। जब रिजल्ट आया तो कोई नहीं था वहाँ पे, मतलब थे कुछ बच्चे थे लेकिन जिन लोगों के आने थे उनके नहीं आने। मतलब जो लोग पूरी दुनिया का सब कुछ पढ़ लिया था जिन्होंने। खैर ये तो हुई एक बात, मेन बात यहाँ पे इस चीज से ये निकल के आती है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने बैच लिया है, ट्रस्ट करना चाहिए। हाँ, उस पे ट्रस्ट करके और फिर साथ में जो प्रीवियस ईयर है, मतलब ऐसा भी नहीं कि आंख बंद करके आप ट्रस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा भी नहीं कि अंधविश्वास जैसी बात है। एक बार आप पढ़ लो सिलेबस पूरा, नोट सारे पढ़ लो, फिर पीवाईक्यू लगाओ जरूर, लगाओ जरूर, उसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उससे अच्छा मॉक कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। और उसमें भी फिर आप डरे नहीं उस टाइम पे कि आप पूरा वो एनआईओएस मैं मेरा पहला पेपर जो मैंने दिया था 2019 का, मतलब पीवाईक्यू में बहुत बेकार हुआ था। तो मुझे लगा था कि हाँ मेरे में कमी है थोड़ा। फिर जब सेकंड वाला दिया तो वो सारी चीजें एड ऑन करके याद कर लिया था, फिर धीरे धीरे स्कोर मेरा अच्छा होता गया। सही बात है। हाँ, और इसमें अगर आपको कोई मतलब कोई फ्रेंड मिल जाए या ग्रुप मिल जाए तो आप स्कोर डिस्कस करके, कॉम्पिटिशन्स जब होते हैं तो और अच्छे स्कोर होते हैं। तो हम लोगों में भी ऐसा हुआ था, दो तीन फ्रेंड्स लोग मतलब कहते थे कि एक ही टाइम पे सब लोग टेस्ट देंगे, और तो उससे मोटिवेशन बनी रहती थी कि हाँ रोज टेस्ट देना है। मैं दो टेस्ट दे देती थी रोज पीवाईक्यू के। बहुत ही बढ़िया। तो इसमें ये चीज निकल के आती है कि एक तो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस आपने, चाहे वो एनआईओएस वाला पेपर हो चाहे वो नॉर्मल पेपर हो, और उसको आपने एक तरह से मतलब तैयारी की उस चीज की, बार बार आपने एनालाइज किया, जहाँ एक्स्ट्रा चीजें थी वो एड ऑन किया, जो आपने बैच में पढ़ा था उसके नोट्स बनाए, और जो सीटेट के टाइम पे बेस बन गया था वो तो था ही, वो तो यूज आएगा। तो बेसिक्स आपके बहुत अच्छे होना जरूरी है, बहुत ज्यादा। और उसके बाद अगर फिर भी मैं ये कहूंगी कि अगर किसी के पास बहुत ज्यादा समय है, उसको लगता है कि वो पढ़ सकता है, तो एनआईएस पढ़ ले, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। ये भी होता है ना, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती है, तरीका होता है अपना, कोई कम टाइम में ज्यादा पढ़ लेता है, कोई ज्यादा टाइम में कम पढ़ पाता है, तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी। ये मेरी थी, ये आपकी थी। एग्जैक्टली। ये बहुत ही मजेदार बात रही और मुझे भी बहुत अच्छा लगा दिशा से मिलके। होपफुली हम लोग जल्दी मिलेंगे, आप आके अपने जीवन के लिए जो भी उद्देश्य आपने बनाए हुए हैं, बेसिकली आपने बताया कि आपको एक तो मतलब दिल्ली भी आना था और अब जॉब लेना आपको सबसे अच्छा तरीका लगा कि यार जॉब लेके जाया जाए और आगे के जीवन में जो भी चीजें हैं वो फिर उस तरह से करेंगे। तो ये बहुत ही मजेदार चीज रही। तो ये था दिशा का अनुभव, और 74 पॉइंट समथिंग आपका सेकंड पार्ट में स्कोर रहा। सेकंड मैम इसमें जो है इन्होंने अलग-अलग डिवाइड में नहीं दिया था। ओके, ठीक, फाइनल रिजल्ट दिया था। ठीक बात। तो ये थी दिशा की स्टोरी, होपफुली आपको इस चीज से हेल्प मिलेगी, सीखने को मिलेगा। और दिशा ने मतलब अगर हम पार्ट ए की बात करें या पार्ट बी की बात करें, कोई बुक आपने कुछ अलग से कुछ नहीं मैम, मैंने कुछ कोई बुक नहीं लिया था, मैंने बैच ले लिया था और उसी को नोट्स को प्रेफर किया था और बाकी पीवाईक्यूज प्रेफर किए। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक और, हाँ बताओ, और किसी के पास जैसे टाइम हो जिसको मतलब लग रहा होगा कि 2-3 साल प्रिपरेशन कर सकता है तो वो अपने हिसाब से कर सकता है, वो कहीं से भी नोट्स को। मैंने कम टाइम में किया तो मैं उनके लिए ज्यादा फायदा करेगा, जो लोग चाहते हैं कि हाँ एक साल में पढ़ के अचानक से डेट आ गई तो कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो उन्हें अपना टाइम पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए कि हाँ 7 दिन में मुझे कोर्स कंप्लीट करना है, अगले 7 दिन में मुझे पीवाईक्यूज करने हैं, ऐसे आपके 20 दिन में पूरा सब कुछ कंप्लीट हो सकता है, और फिर आप रिवीजन कर लो, टेंशन फ्री हो। बहुत ही बढ़िया। अब मुझे एक और चीज याद आ रही है और हंसी भी आ रही है मुझे साथ में, कि जब आपको मतलब आप अभी हम जब बात कर रहे थे तो आपने बताया कि आपको आपके दोस्तों ने या ग्रुप में जो लोग थे उन्होंने भी कहा, कुछ लोगों ने या जिसने भी कहा होगा कि आप हिमांशु मैम से पढ़ रहे हो वो तो सीटेट तक ही। हाँ, यस मैम। तो
उस टाइम पे मतलब मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने एंड से इस चीज को देखूंगी तो वो डिफरेंट लगेगी. हाँ, हाँ. कि आपने, क्योंकि जो तैयारी कर रहा होता है उस टाइम और उसका कोई मिस्ट्रस्ट या कुछ भी इस तरह की बात बताए तो उसके दिमाग में तुरंत से वो डाउट का जो सीड है वो बनना शुरू हो जाता है. उस टाइम पे आपने कैसे, क्या मतलब समझ के, क्या सोच के तैयारी फिर भी? मैम मुझे बस यही लगा कि मेरे नंबर तो आ रहे हैं, जो मेन है नंबर आ रहा है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करके मुझे उन लोगों से ज्यादा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो बस वही रिजल्ट है और क्या चाहिए. तो अब वैसे भी मैम मेरा बहुत क्लियर रहता है कि मुझे खुद को पता है कि मेरी कितनी कैपेबिलिटीज है. मैंने डिवाइड किया, मुझे 7 दिन में करना है तो करना ही है, चाहे मैं 15 आर पढ़ूं, कुछ भी करूं, मुझे करना ही करना. तो वही मेरा था कि हाँ मैं इतना पढ़ रही हूँ, होना हुआ तो ठीक है, नहीं होना हुआ तो भी ठीक है. और वो एनालिसिस से पता भी लग रहा है, पता चल रहा था मुझे कोई बनने की ऐसे कहीं और कुछ कोई और नहीं. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इसमें तो मेरे फ्रेंड भी हैं तो वो उनको थोड़ा लगता था क्योंकि उन्होंने कहीं से पढ़ा नहीं था. अच्छा. तो कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, उन्होंने कहा बिल्कुल हो जाएगा, जब मेरा हो जा रहा था तुम्हारा भी हो जाएगा. उन्होंने भी बस आपके ही नोट्स सारे पढ़े थे, 17 पेज वाली बात. उन्होंने सिर्फ YouTube ही देखा था. हाँ बस YouTube, क्योंकि टाइम कम था, अचानक से डेट आ गई थी 8 फरवरी को, तो वहीं से मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ मैं 1 हफ्ते में अपना कोर्स कम्प्लीट करूंगी, और उसने 1 हफ्ते में आपकी वीडियोस देख के बना लिया था. बहुत बढ़िया. तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, इनमें से जो चीजें आपको अपने लिए ठीक लगे आप चूज कीजिए. ये दिशा की अपनी आप में एक स्टोरी रही, और मैं बड़ा मतलब ओवरवेलमिंग भी मुझे फील हुआ जब बात हुई हम लोग की, क्योंकि कंफ्यूजन सबके दिमाग में रहती है और कई बार अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न है भी. हाँ, सेकंड पार्ट में ये लोग बहुत नहीं, मैम ये होता है ना जब जैसे बेसिक्स आपके क्लियर होते हैं तो जो क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा है ना तो आप उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड लगा के कर सकते हो कि हाँ ये चीज हो सकती exactly, है पॉजिटिव आंसर. अगर आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप ये देखो कि इन तीनों में चारों ऑप्शन में कौन सा पॉजिटिव है. और जब आपने इतनी प्रैक्टिस की है, बेसिक्स आपके स्ट्रांग है, अब ऐसा थोड़ी अगर एनआईएस में डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही एज इट इज उठा के दे दिए, लेकिन उनमें भी तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन तो कम ही दे पाएगा वो. हाँ. तो उस कॉन्सेप्चुअल में तो आपने भी डेवलपमेंट वही पढ़ा है जो वहां दिया हुआ होगा. हाँ. तो उस केस में आप अपना वही नॉलेज यूज करके जब आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको आइडिया लगने लग जाता है कि कौन सा पॉजिटिव की तरफ. यही चीज मैंने यही किया था. मुझे जैसे कोई क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहे थे तब भी मैंने मतलब लगाया कि हाँ ये पॉजिटिव आंसर है, इसमें ये थ्योरी लगा के कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि एक थ्योरी सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे लगेगी, कई क्वेश्चन पे लग जाएगी. हाँ तो मेरी यही अप्रोच थी मैम. तो बेसिकली उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी की, कुल मिलाके जो मुझे भी समझ में आया रटना कम था. और क्योंकि रट के आप कितनी ही लाइंस याद रह जाएंगी एनआईएस की भी, तो इसीलिए तो मैम लोग कई कई बुक पढ़ते हैं तब भी नहीं हो पाता. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि मतलब अब डाउट नहीं है उसके आगे कुछ और आए. और इधर उधर के मॉक देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. प्रीवियस ईयर इतने ज्यादा एग्जाम्स हैं, अब तो और भी सारे हो गए हैं और कॉम्पिटिशन अब बढ़ रहा है. तो मुझे यही, मैं तो यही कहूंगी कि सारे जो है 2018 से लेके अब तक के सारे क्वेश्चन लगा लें तो पॉसिबल हो जाए. ये मेरा भी पर्सनली यही मानना है कि आप अगर प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं और उस पेपर के इतने सारे प्रीवियस ईयर हैं, उसके आसपास के भी जो मान लीजिए टेट वगैरह हुए तो वो भी प्रीवियस ईयर लगाओ, क्योंकि वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं. क्योंकि उस लेवल का कोई पेपर बना नहीं पाता, वो कोई भी एग्जाम हो, सिर्फ डी ट्रिपल एस भी नहीं, कोई भी एग्जाम हो, सारे पेपर्स में यही होता है कि आप प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन सब लगा के जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और मैथ्स हुआ या कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी है, वो पार्ट वन का आप तैयार कर सकते हो. पार्ट भी अपने आप में डिफरेंट चीज है, उसका कोई भी व्यक्ति अपने मन से भाषा तैयार करे तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगी. तो पार्ट बी में वही तो होता है, जिसे एग्जाम देके भी आते हैं तब भी नहीं पता रहता कि हमारा सही हुआ है या गलत. राइट. हाँ, वो उसी टाइम अंडरस्टैंडिंग से ही हो जाता बिल्कुल है. बिल्कुल सही बात है. और वो स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज कोई कैसे मतलब एक इंडिविजुअल कहाँ से उसको बना पाएगा. सही बात, वही चीज. तो ये थी दिशा की स्टोरी, बहुत अच्छा लगा दिशा से मिलके. थैंक यू सो मच. होपफुली आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा. पसंद आया हो तो लाइक शेयर करके कमेंट में आप अपने विचार बता सकते हैं. धन्यवाद.